ये है रामपुर रजा किताबखाना, यानी कि रामपुर रजा लाइब्रेरी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये है दुनिया का मशहूर इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक धरोहर का खजाना, रामपुर रजा किताबखाना। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ये नायाब पुस्तकालय रामपुर के नवाबों द्वारा बनाया गया और अब भारत सरकार द्वारा संचालित है। अरबिक, पर्सियन, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पश्तो आदि भाषाओं की अनमोल किताबें एवं हस्तलिपियों का खजाना है रामपुर रजा किताबखाना। रामपुर के नवाबों द्वारा बनाया गया ये शानदार महल हामिद मंजिल किला रामपुर के नाम से जाना जाता है। आप हैं अबू साद इलाही, रामपुर रजा लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इंचार्ज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामपुर रजा लाइब्रेरी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने इस रेयर मैनुस्क्रिप्ट की वजह से, मखतूतात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जानी जाती है। और इसका जो कलेक्शन है उसको दूर दराज से स्कॉलर आते हैं रिसर्च करने के लिए। एक्चुअली ये जो लाइब्रेरी है 200 साल पुरानी है और इसको रामपुर के नवाबीन ने कायम किया था। पहले नवाब फैजुल्ला खान, जिनका पीरियड 1774 में, उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी उनकी अपनी पर्सनल थी, उन्होंने कायम की है। तो इस लाइब्रेरी की जो हिस्ट्री है या इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो नवाब फैजुल्ला खान 1774 के साथ ही स्टार्ट होती है। उनके ज़माने में कुछ किताबें रही होंगी, फिर बाद में उनके डिसेंडेंट जो रहे हैं, वारसीन रहे हैं, उन्होंने भी इस लाइब्रेरी में इजाफा किया। और फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाद जो उनके वारिस रहे हैं उसमें से नवाब मोहम्मद सईद ख़ान का जब पीरियड आता है, और उनका पीरियड तकरीबन है 1748 के आसपास, तो वो उन्होंने इस लाइब्रेरी को बकायदा एक लाइब्रेरी की शेप दिया और इसके लिए मुहर बनवाई जिस पे लिखा था हस्त ई कुतुब खाना वालिय फरजाना। तो ये एक तरह से बाकायदा इस लाइब्रेरी की तारीख शुरू होती है जब नवाब सईद ख़ान ने इसको किताब शक्ल में दी। उसके बाद उनके बेटे नवाब यूसुफ़ अली ख़ान, जिनका पीरियड 1757 का पीरियड है, जबकि यहाँ पर इंडिपेंडेंस वार कह लीजिए, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार या आप उसको गदर का नाम दे दीजिए, उस ज़माने में पूरे हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी मची हुई थी। तो मुग़ल हुकूमत जो थी वो एक तरह से ख़त्म हो गई थी। तो उस ज़माने में लखनऊ से और दिल्ली से जो उजड़े हुए लोग थे वो यहाँ पर रामपुर में आए और रामपुर के नवाबीन ने उनको संरक्षण दिया, उनको पनाह दी। वो लोग अपने साथ इल्मी चीज़ें लेके आए। तो इस एतबार से अगर देखेंगे तो नवाब यूसुफ़ अली ख़ान के ज़माने में इस लाइब्रेरी में काफ़ी तरक्की हुई। नवाब यूसुफ़ अली ख़ान जो थे वो मिर्ज़ा गालिब, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे और वो ज़िंदगी भर मिर्ज़ा गालिब को उन्हीं की वजह से वजीफ़ा मिलता रहा। उनके बाद जो नवाब हैं, नवाब कल्बे अली ख़ान उनके बेटे, उनका ज़माना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड रहा है उनका। और ये कहा जाता है कि जितनी लूटी पुटी चीज़ें थी उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस रजा लाइब्रेरी में इकट्ठा किया और बेपनाह, मतलब कीमती चीज़ें जो इधर उधर से बिखरी हुई थी वो रजा लाइब्रेरी के कलेक्शन में आके इकट्ठा हुई। उसके बाद आता है उनके बेटे का ज़माना, नवाब मुश्ताक अली ख़ान, उनका ज़माना जो है उसमें उनका पीरियड तो कम रहा लेकिन उन्हीं के ज़माने में लाइब्रेरी के लिए एक अलग से बिल्डिंग कायम की गई और जो उनके बेटे नवाब हामिद अली ख़ान ने उस बिल्डिंग का इनॉग्रेट किया और एक बकायदा उलूम दीनिया के नाम से वो कुतुब खाना था और वहाँ पर किताबें ट्रांसफ़र हुई। नवाब हामिद अली ख़ान के पीरियड से पब्लिक के लिए ये कुतुब खाना, ये लाइब्रेरी जो है खोल दी गई। उसके बाद लास्ट नवाब जो थे, नवाब रजा अली ख़ान, उनके ज़माने में इस किताब इस लाइब्रेरी में और ज़्यादा तरक्की हुई और उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें थी उसमें बहुत काबिल कद्र इजाफ़ा किया
और उन्होंने उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जो कि ट्रस्ट 1975 तक काम करता रहा। नवाब फैजुल्ला खान का पीरियड बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा और नवाब फैजुल्ला खान ने ही इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया था। एक बात मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये लाइब्रेरी पहले स्टेट लाइब्रेरी के नाम से थी और ये दरबार हॉल हुआ करता था, यहाँ पे दरबार लगता था नवाब का। उसके बाद बहुत सारे नवाब आए, नवाब मोहम्मद अली खान आए, नवाब ग़ुलाम मोहम्मद साहब आए, नवाब अहमद अली खान साहब आए और नवाब मोहम्मद सईद खान आए, नवाब यूसुफ़ अली खान आए, उसके बाद नवाब कलबेली खान आए और फिर नवाब मुश्ताक अली खान आए, हामिद अली खान आए और लास्ट नवाब थे नवाब रज़ा अली खान, जिनके नाम पर ये रज़ा लाइब्रेरी है। अली खान साहब हैं और नवाब रज़ा अली खान साहब के बारे में कहा यह जाता है कि सबसे कम उम्र के जो नवाब थे वो नवाब रज़ा अली खान थे, जिनको 16 साल की शायद उम्र में ताज मिल गया था। और नवाब रज़ा अली खान साहब को स्पेशली म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी थी, संगीत सागर इनकी कुछ किताबें भी हैं यहाँ पे रज़ा लाइब्रेरी में नवाब रज़ा अली खान से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं नवाबों से रिलेटेड जो हम लोग टाइम टू टाइम डिस्प्ले करते हैं, बहुत सारी एग्जीबिशंस लगाते हैं। 1975 में इस रज़ा लाइब्रेरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस वक्त लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कंट्रोल में है और उसके ज़ेर इंतज़ाम ये लाइब्रेरी चल रही है। सारा बजट जो है वो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी का सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये इसकी मुख्तसर तारीख है, लेकिन ये लाइब्रेरी यकीनी तौर पे अपने कलेक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और इसकी अगर खसूसियात आप देखें तो अरबी, फारसी और उर्दू वगैरह का आप मिडिवल पीरियड का, जब आप समझिए कि हाथ से लिखी हुई चीज़ों का ज़माना था, छपा एक ज़माना नहीं था, तो बेपनाह चीज़ें खुद मुसन्निफीन के हाथ की लिखी हुई यहाँ पर मौजूद हैं, उनके ज़माने में ज़माने से करीब तर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। और आप ये समझ सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट वन हमारे यहाँ इस लाइब्रेरी में जो कुरान मजीद है वो हज़रत अली से मंसूब है, उनकी हैंड राइटिंग में है, जो 7वीं सदी हिजरी का कुरान मजीद है, ख़त कूफे में लिखा हुआ है। इसमें डायरेक्टिकल मार्क यानी जो एराब होते हैं अरबी के वो नहीं है, तो इससे महसूस किया जा सकता है। सब लोग ये मान के चलते हैं, देखिए उसमें कोई राइटिंग में कोई नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट जो हैं वो बताते हैं कि 1वीं सदी हिजरी का, लेकिन वो एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ये हज़रत अली रज़ा अल्लाह के हाथ का वो हो सकता है। रज़ा लाइब्रेरी का सबसे अहम सबसे कदीम जो कुरान मजीद का नुस्खा है जो हज़रत अली से मंसूब है, उसका ये शुरू में ये डेकोरेटेड पेज है और ये पेज यकीनी तौर पे बाइंडिंग के टाइम में नवाब हामिद अली खान के उसमें तैयार किया गया था। इसमें लिखा हुआ है कि ये बख़त्ते इमाम हुमाम अली अल-मुर्तज़ा यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ का ये लिखा हुआ कुरान मजीद है। ये ऊपर बताया गया, दर्शाया गया है। बैक साइड में ये सूरह फातिहा है, ये एक्चुअली कागज़ पे लिखा हुआ है, बाद में लेटर हैंड का है और बाद में इसको इल्हाक किया गया है। इसमें सिर्फ क्योंकि शुरू में इसके कुछ पेजेस मौजूद नहीं है, इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए ये सूरह फातिहा और वो जो टाइटल है उसमें लगाया गया है। जी, ये देखिए कुरान मजीद का ये जो हमारा नुस्खा है उसका ये पहला पेज है और ये ख़त कूफे में लिखा हुआ, इसमें ज़ेर ज़बर वगैरह नहीं है और ये चमड़े पे लिखा हुआ है। इसके इर्द गिर्द जो डेकोरेशन है वो एक्चुअली ये माउंट किया गया है पेपर पे और इसकी तरतीब को दुरुस्त करने के लिए ये डेकोरेशन वगैरह जो किए गए हैं, बॉर्डर वगैरह, ये बाइंडिंग का हिस्सा है, ये इसका ओरिजिनल हिस्सा नहीं है। अलबत्ता वो जो बीच वाला हिस्सा है जिस पर राइटिंग है वो चमड़े पर लिखा हुआ है और ये ओरिजिनल हिस्सा है इस कुरान मजीद का, यहाँ से ओरिजिनल स्टार्ट होता है। इसमें एकाध रुकू इसमें मिसिंग है, इसलिए वो जो बिल्कुल इब्तदाई है कुरान मजीद का हिस्सा वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ सिर्फ रबकुमुल्लज़ी खलकक़ुम वल्लज़ीन मिन कब्लकुम से ये स्टार्ट हो रहा है जो दूसरे रुकों में ये आता है। जी, ये बाइंडिंग जो है नवाब हामिद अली खान के पीरियड में की गई है। इसमें जो दोनों गुंबद दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली जो रौज़ा है हज़रत अली का नजफ़ अशरफ में वो उसका एक नमूना बना के इसमें रखा गया बाइंडिंग के लिए ताकि इसकी खूबसूरती को और आगे बढ़ाया जा सके। ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में एक महत्वपूर्ण रज़ा लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हज़ारों किताबें और पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, यानी कि एक यूँ समझिए कि रामपुर में रज़ा लाइब्रेरी का नाम अगर आता है तो हर दुनिया का आदमी ये समझता है कि रज़ा लाइब्रेरी वाकई में ही एक महत्वपूर्ण रज़ा लाइब्रेरी है। यहाँ पर नवाबी दौर से
یعنی کہ مرتضی علی اور ان کے بعد میں جناب رضا علی، حامد علی، کلوے علی، اس لیے جتنی لائن لگی ہے انہوں نے یہاں کی خدمت کی ہے۔ لائبریری کے سلسلے میں ایک بات میں عرض کروں کہ کوئی بھی لائبریری دو چیزوں سے افضل مانی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ وہاں پر پانڈولپیاں یا مینوسکرپٹ یا مخطوطات کتنے زیادہ ہیں اور کس زمانے کے ہیں، دوسرے کہ اس کا کیٹلاگنگ سسٹم کیا ہے۔ تو ہمارے وہاں جو قدیم کیٹلاگ ہے اس قدیم کیٹلاگ میں یہ تھا کہ رجسٹر بنے ہوئے تھے، اور عام طور پہ اسکالرز جو آتے ہیں انہیں اپنے سبجیکٹ سے متعلق دو یا تین کتابوں کا نام معلوم ہوتا تھا، باقی انہیں نہیں معلوم کہ اس لائبریری میں ان کے سبجیکٹ سے متعلق یا جس ٹاپک پہ وہ کام کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں ہیں۔ تو ابو سعد صاحب نے آنے کے بعد جو موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو رجسٹرس میں یہ کیا ہے کہ سبجیکٹ وائز، آتھر وائز اور ٹائٹل وائز یہ ساری کیٹلاگ بنوائی، اور جو موسٹ ماڈرن طریقہ ہے یعنی ڈیسمل سسٹم، تو ڈیسمل سسٹم سے انہوں نے کتابوں کو ارینج کرایا، اور اس سب کو کرانے کے بعد انہوں نے کمپیوٹر پہ ڈال دیا ہے۔ ہمارے وہاں کی پرنٹنگ بکس کے بارے میں اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ آسانی سے ویب سائٹ کھول کے معلوم کر سکتا ہے، مخطوطات کے بارے میں جاننا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے۔ یہاں کے مخطوطات کے سلسلے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ مثلا حضرت علی کا جو قرآن شریف ہے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو کھال پر ہے وہ دنیا کی کسی دوسری لائبریری میں نہیں ہے، 30 پارے مکمل جو یہاں پر ہے، اور اس اعتبار سے اگر کچھ نہ ہوتا یہاں، خالی وہی قرآن شریف ہوتا تو اس لائبریری کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایسے مخطوطات موجود ہیں اس زمانے میں ہندی کے، آپ کو حیرت ہوگی کہ دارشکو کا یوگ وششٹھ سنسکرت میں جو فارسی لپی میں لکھا ہوا ہے وہ یہاں، یہ جو ہم نے بتایا حضرت علی سے منسوب قرآن مجید یہ چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید اب اس کے بعد والا قرآن مجید ہے وہ 8ویں صدی عیسوی کا ہے، اور یہ قرآن مجید کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ امام جعفر صادق سے منسوب کی جاتی ہے، اور یہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ 7th century کا، 8th century کا، پھر اس کے بعد ایک نسخہ ہمارے پاس قرآن مجید کا کچھ پیجز ہے جو 9th century کا ہے، 9ویں صدی عیسوی کا ہے، اور یہ امام موسیٰ رضا جو 8ویں امام کہے جاتے ہیں ان کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے۔ اسی طرح سے 10ویں صدی کا قرآن مجید ہے، ابن مقلا کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اور ابن مقلا کی پرسنالٹی وہ ہے جس نے خط نسخ کو ایجاد کیا ہے، اس اعتبار سے یہ نسخہ جو ہمارا ہے دنیا میں یہ اکلوتا نسخہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کیلیگرافی میں اس نے جو کیلیگرافی ہے، رائٹنگ ہے، اس کے کئی ایک اسٹائل اس نے ایجاد کیے تھے، اور وہ تین عباسی خلفہ کے تین خلیفوں کا وہ پرائم منسٹر رہا ہے، کسی بات پہ کسی خلیفہ نے ناراض ہو کے اس کے ہاتھ کاٹ لیے، کہا جاتا ہے کہ اس نے پیروں سے مشق کی اور رائٹنگ کی۔ anyway, بہرحال یہ جو نسخہ ہمارا ہے یہ دنیا کا اکلوتا نسخہ ہے، اور جو آج تک خط نسخ جو چل رہا ہے یہ اسی ابن مقلا کی دین ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم 7ویں صدی، 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی کے نمونے کو بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس رضا لائبریری میں آ کے رائٹنگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ رامپور رضا لائبریری میں سنگرہت وشیش روپ سے جو ہندی کی پانڈو لپیاں ہیں اور جن کی لپی فارسی رہی ہے، یہ مجھے اتنا ادھک آکرشت کرتی رہی ہیں، اور چونکہ میرا کاریہ کشیتر ہندی ساہتیہ اور ہندی بھاشا ہے تو ان پر کام کرنے کے لیے میں ہمیشہ ہی اتساہ سے بھری رہتی ہوں، اور پچھلے دنوں میں نے یہاں کی ایک پراچین پانڈو لپی ہے جس کا نام ہے نادرات شاہی، اس پر میں نے سانسکرتک اور ساہتک ادھیان اس پانڈولپی کا پورا کیا ہے۔ یہ پانڈولپی جو ہے یہاں کے بھارت ورش کے جو 18ویں بادشاہ تھے شاہ عالم ثانی صاحب، ان کے دوارا لکھا ہوا یہ پورا ان کا یہ کلام ہے، جسے کہ انہوں نے اپنے سمے میں ہی پانڈولپی کے مادھیم سے فارسی لپی میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ دیوناگری لپی میں بھی لکھوا کے اسے پورن کروایا تھا۔ اور جب میں نے اسے پڑھا، لگ بھگ میں نے 11 ورشوں تک پہلے اس کا گہن ادھیان کیا اور یہ دیکھا کہ اس پر کس ڈھنگ سے کس طرح سے کام ہو سکتا ہے، تو میں سچ میں آشچرینت رہ گئی
के पूरे भारत की उसके अंदर संस्कृति और इतिहास उसमें समाहित है, और उन्होंने इतने सुंदर दोहे उसमें, गज़लें और 6 उसमें जो दोहे हैं वो पंजाबी भाषा में भी लिखे हुए हैं। उसको मैंने अपनी पुस्तक में नादिराते शाही का सांस्कृतिक और साहित्यिक अध्ययन में अलग से देकर और उसका अर्थ दिया है। और इस पांडुलिपि की खासियत या विशेषता ये है कि इसमें शाह आलम सानी ने जितने भी पर्व हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, जैसे कि नवरोज पर्व है यहाँ का, जिसका कि संबंध विशेष रूप से पारसी लोगों से है और वो स्वयं भी उनके महल में वो मनाया जाता था, उस पर उन्होंने नवरोज पर बहुत से दोहे हैं इसमें, और साथ में होली से संबंधित बहुत सारे उसमें उन्होंने रचनाएं उनकी हैं, दिवाली से संबंधित हैं, शबरात से संबंधित हैं, ईद उल फितर से संबंधित हैं, ईद उल जुहा से संबंधित हैं, और इस तरह से जितने भी हमारे देश में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं उन पर तो है ही। साथ ही जो हमारे यहाँ संस्कारों की प्रथा है कि जब बच्चे का जन्म होता है, उसका मुंडन होता है, उसका 6ठी संस्कार होता है, और साथ में पालना झुलाना है, और बच्चे के ननिहाल से उसका सामान आता है, इस सब से संबंधित उन्होंने अपनी रचनाएं जो हैं वो काव्य के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति दी है। और इतनी सुंदर रचना ये नादिराते शाही है कि इसके बारे में जितना ही कहा जाए वो कम है। मैंने सबसे पहली बार जब इस पांडुलिपि को देखा तो मैं इसकी लिखावट को देखकर बहुत ही ज़्यादा, मैं लफ्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करना चाहूँगी कि फैसिनेट हुई। एक तो जो स्याही है, देखिए वो आज तक भी वो ना तो बिखरी है ना उसमें किसी तरह की ख़राबी पैदा हुई है, लाल रोशनाई का भी इस्तेमाल किया है, काली का भी, और दूसरी ये कि राइटिंग कितनी सुंदर और हाथ का लिखा हुआ ये है, और ये कागज़ भी बताते हैं कि ये हाथ का ही बना हुआ कागज़ है। तो इसीलिए मैं यहाँ की पांडुलिपियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा मेरा मन प्रसन्न होता है। गद्य रामायण, इसकी गद्य रामायण की विशेषता ये है कि इससे पहले तक जितनी भी रामायणें हैं वो सब पद्यात्मक हैं, और गफलत ने इसे गद्य में लिखा है, नवाब साहब के आदेश पर ही लिखा, और उसको उसका नाम उन्होंने फसाना रामो सीता दिया है। और इसमें उन्होंने कोई कांडों में, जिस तरह से उसमें कांड हैं सारे, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है, सारे कांडों को उसमें उन्होंने संरक्षित किया है और बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, लेकिन गद्य में लिखा है और इस रोचक ढंग से लिखा है कि जो लोग उस भाषा के जानकार नहीं हैं संस्कृत के और उसको नहीं पढ़ सकते, तो वो इसमें उर्दू में पढ़कर उस कथा का और उस रचना का आनंद उठाएँ। अंग दर्पण की पांडुलिपि और रस प्रबोध, ये दोनों अलग अलग कृतियां हैं, इनकी पांडुलिपियां भी जो हैं वो इस रजा लाइब्रेरी में संरक्षित हैं। यहाँ पर जो किताबें हैं उसमें मोहरों के हिसाब से मालूम होता है कि अरब में हलब की, दमिश्क की और मक्के और मदीने वगैरह से जो किताबें रही हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर किसी न किसी सूरत में यहाँ पर आई हैं। तो लाइब्रेरी के कलेक्शन में कई पहलू से आप देख सकते हैं, राइटिंग के पहलू से देख सकते हैं, तो हर तरह की राइटिंग यहाँ पर, हम कुरान मजीद की यहाँ नुमाइश लगाते हैं, तकरीबन 300-400 से ज़्यादा हमारे पास हाथ के लिखे हुए कुरान मजीद हैं। उस नुमाइश में आप देख सकते हैं कि जितनी भी राइटिंग पाई जाती हैं सारे राइटिंग के नमूने हैं, फिर गोल्डन जो कलर में लिखे गए हैं और डेकोरेशन किए गए हैं उस तरह के कुरान मजीद वहाँ पर हैं, और हर स्टाइल के कुरान मजीद के नमूने हमारे पास मौजूद हैं। ये रामायण फारसी है, इसके दोनों पेज देखिए कितना डेकोरेटेड है ये, और ये औरंगज़ेब के पीरियड में सुमेर चंद ने इसका ट्रांसलेट किया था, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये रॉयल कापी है। इसका पेपर भी कश्मीरी पेपर है और राइटिंग ख़त नस्तालिक में बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है। इसके अलावा इसका डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि इसमें जो लिपिजुले और दूसरे मिनरल्स जो कलर्स होते हैं वो उसके द्वारा इसे सजाया गया, ख़ासतौर से सुनहरा कलर जो है वो पेड़ सोने के पानी से इसको सजाया गया है। ये बहुत ही अहम नुस्खा है रामपुर रजा लाइब्रेरी का, और इसको गवर्नर साहब के हुक्म से इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में रजा लाइब्रेरी ने इसको शाये किया है, और इसमें तकरीबन 258 पेंटिंग है।
ये देखिए, इस किताब का लंका कांड है। इसमें आप देख सकते हैं कि जटायु जो है रेसिस्ट कर रहा है। इसमें रावण की तस्वीर देखिए, बहुत ही यूनिक है। इसमें 10 सर तो है ही है, उसके अलावा ऊपर एक गधे का सर है और दूसरे जो राक्षस वगैरह हैं वो उसको जो रथ है उसको खींच रहे हैं। राक्षस वगैरह भी बैठे हुए हैं और सीता को भी आप देखिए कि वो एक तस्वीर है जिसमें वो सीता को दर्शाया गया है, बताया गया है। तो ये लंका कांड की तस्वीर है और इससे आप देख सकते हैं, इसमें हर हर जो पन्ना है उस पे तस्वीर है और तस्वीर के माध्यम से आप रामायण की पूरी स्टोरी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास पेंटिंग के ताल्लुक से तकरीबन 1000 से ज़्यादा पेंटिंग है। एक दीवान हाफिज है जो कि अकबर के पीरियड का है और ख़ुद अकबर ने उसको कापी तैयार की थी। उसमें अकबर का एक तस्वीर है जिसमें वो दीवान हाफिज सुन रहा है, बहुत ही यंग वो तस्वीर है उसमें दिखाई देती है, जिससे महसूस ये होता है। बहुत सी पेंटिंग आपको अकबर की दिखाई देती है, ओल्ड एज की मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ की इस पेंटिंग में अकबर बिल्कुल यंग शक्ल में, इसमें 11 पेंटिंग है, लाजवाब पेंटिंग है। इसी तरह से अकबर ही के पीरियड ज़माने की एक पेंटिंग है, जोडाइक पेंटिंग है, जो आप ये कह सकते हैं कि ये जो राशि होती है उसके बेस पे करती हुई है, लेकिन उस ज़माने का कल्चर, समाजियात, सोशियोलॉजी जो है उसमें मिलती है। हमारे यहाँ मुग़लों के और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से एक है ख्वाजा रिसाला अब्दुल्ला अंसारी, जिसमें जहांगीर की हैंडराइटिंग है, शाहजहां की हैंडराइटिंग है और औरंगज़ेब की मुहर है, अब्दुलरहीम खान खाना की हैंडराइटिंग है। तो और इसी तरह से एक नुस्खा और है जामु तवारीख का, उसमें आपके शाहजहां की बेटी जहां आरा की हैंडराइटिंग है। तो ये सब बताते हैं कि ये सब कीमती चीज़ें यहां पर महफूज हैं। आप हैं सनम अली खान, इस किताब खाने की संरक्षक हैं और नवाब ख़ानदान से सीधे रूप से जुड़ी हुई हैं। नवाब हामिद अली खान जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है, ये बिल्डिंग हामिद मंजिल के नाम से जानी जाती है। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये रज़ा लाइब्रेरी हामिद मंजिल कहलाती है। तो नवाब हामिद अली ख़ान जो थे वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे जी। मेरे ख़ानदान में सिर्फ मैं ही एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जो कि कॉन्जर्वेशन में मैं काम करती हूँ, वरना कोई कॉन्जर्वेशन में नहीं है। और माशाल्लाह मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ इस चीज़ को और मुझे बहुत ही इज़्ज़त अफज़ाई महसूस होती है कि मैं एक ऐसा काम करती हूँ जो कि जिसके बारे में एक तो आजकल अवेयरनेस बहुत हो गई है और मेरे यहाँ होने से, और ये काम मैंने सीखा, लंदन में सीखा मैंने ये, और दिल्ली में भी सीखा, और फिर मेरी वजह से मैं रज़ा लाइब्रेरी को फ़ायदा पहुँचा रही हूँ। यहाँ के जो मखतूते हैं, पेंटिंग्स हैं और रेयर ओल्ड प्रिंटेड बुक्स हैं, मैप्स हैं, उनको मैं उनका कॉन्जर्वेशन में मैं अपनी सी कोशिश करके उनको प्रिजर्व करती हूँ। यहाँ का जो कलेक्शन है वो सिर्फ रिसर्च स्कॉलर के लिए है। बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ पर आते हैं, फॉरनर यहाँ पर आते हैं, आप समझिए कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से और जापान से, मलेशिया से यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर आते रहते हैं। मैंने ये देखा है कि यहाँ का जो पेंटिंग का कलेक्शन है, मुगल पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर करने के लिए या फिलासफी पे या मिस्टिसिज्म पे बाहर के लोग बहुत ही काफ़ी आते हैं। इसी तरह से अरब गल्फ से जो कंट्रीज़ हैं उसमें इस्लामियात पे, फ़िक़ह के ऊपर और लुगत के ऊपर इस तरह की रिसर्च करने वाले यहाँ पर बहुत आते हैं। खुद यहाँ इंडियन कल्चर जो आप हिस्ट्री की किताबें हैं, यहाँ सब इम्पॉर्टेंस किताबें हिस्ट्री की, जो पुरानी ओल्ड किताबें हैं जैसे बर्नी की, हमारे पास तारीफ फिरोज शाही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको भी यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर बाबर की अपना पोइट्री कलेक्शन है, दीवान बाबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब सारी चीज़ों के लिए स्कॉलर यहाँ पर आते हैं और स्कॉलर जो चीज़ कंसल्ट करते हैं वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं, वो आर्टिकल हज़ारों लोग पढ़ते हैं। इस वजह से इस लाइब्रेरी को स्कॉलरों के ज़रिए से ज़्यादा प्रमोट मिल रहा है और स्कॉलरों ने ही इसको मशहूर किया है। लेकिन ये कलेक्शन अपने आप में बहुत ही यूनिक है। मैं समझता हूँ कि चंद लाइब्रेरियाँ जो हैं, जो हमारे पास्ट को महफूज रखे हुए हैं, उसमें रज़ा लाइब्रेरी
बहुत ही फेमस है और इसकी इम्पॉर्टेंस जब तक ये लाइब्रेरी रहेगी बाकी रहेगी और स्कॉलर इससे मदद करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लिटरेचर आप आज का साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो लोग दूसरे फील्ड में हैं लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस किसी तरह से कम नहीं है। अगर हम अपने कल्चर को देखना समझना चाहेंगे तो इन्हीं लाइब्रेरियों में हमको आना ज़रूरी होगा। रजा लाइब्रेरी धरोहर है जिसका सरोकार आम लोगों से ही है।